नमस्कारम। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 9.2, 10th क्लास बायोलॉजी। इन फिगर 9.3, व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड वी डू टू कंफर्म दैट द F2 जनरेशन डिड इन फैक्ट हैव अ 1:2:1 रेशियो ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी ट्रेट कॉम्बिनेशंस। यानी कि एक्टिविटी 9.2 एक्चुअल में एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कहता है कि 9.3 फिगर देखो। इस फिगर को देख करके आपको मेंडल का क्रॉस याद आता है कि मेंडल ने क्या किया था, एक टॉल प्लांट लिया था, एक शॉर्ट प्लांट लिया था, उनके बीच में क्रॉस कराया था। तो जो पहली जनरेशन F1 जनरेशन मिली थी उसमें सारे प्लांट टॉल थे, लंबे थे। फिर उसने क्या किया, F1 जनरेशन का एक प्लांट लिया और उसमें सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई। तो उसने देखा कि जो F2 जनरेशन मिली, उसको जो F2 जनरेशन मिली उसमें 75% प्लांट तो टॉल थे, लेकिन 25% यानी एक चौथाई हिस्सा, यानी 25% प्लांट्स शॉर्ट थे यानी बोने थे। जिसको कहते हैं F1 जनरेशन, इसको कहते हैं F2 जनरेशन, और ये थे पेरेंट्स। तो कहता है कि जो F2 जनरेशन थी उसके अंदर आप कैसे ये प्रूव करोगे? देखो इसके अंदर ये तो पता चल रहा है, फिनोटिपिक रेशो होती है। फिनोटिपिक रेशो मतलब कि प्लांट्स बाहर से दिखाई देने पर कैसे दिख रहे हैं। तो इसमें फिनोटिपिक रेशो क्या है कि तीन प्लांट इसमें टॉल हैं, एक प्लांट शॉर्ट है। इसका मतलब है 3:1 क्या है, फिनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो वो होती है जो प्लांट्स के अंदर के जीन्स बताती है, यानी जीनोटाइप बताती है। तो लेकिन हम बाहर से देखने पर ये नहीं बता सकते कि इन प्लांट्स के अंदर कौन से जो प्लांट है वो कैपिटल टी है, कौन से प्लांट है जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यह हम देख कर बता सकते हैं। तो 9.2 एक्टिविटी ये कहती है कि आप ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट बता रहे हो, क्या आपके पास कौन सा एक्सपेरिमेंट है, या आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करोगे ये प्रूव करने में, ये दिखाने के लिए कि ये जो F2 जनरेशन है इसकी जो जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या है, 1:2:1 है। क्या नहीं, देखो 1 क्या है, कैपिटल टी, 2 क्या है, ये है देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर 1 क्या है, शॉर्ट। तो देखो 1:2:2 ये है, 1:1 ये है, यानी एक हिस्सा तो टॉल प्लांट है, दो हिस्से यानी 50% टॉल प्लांट है, बट वो उनके अंदर हेटरोजाइगस जीनोटाइप है, यानी दोनों अलग अलग टाइप के जीन्स है, और 25% जो है एक हिस्सा जो है शॉर्ट प्लांट है जिसके अंदर दोनों जीन्स जो है होमोजाइगस है बट स्मॉल जीन है, वीक जीन है। तो आप कौन सा एक्सपेरिमेंट है आपको ये प्रूव करने के लिए कि ये जो F2 जनरेशन की जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 है, ये आप कैसे प्रूव करोगे? तो अगर मैं एक अभी यही आंसर बताऊं तो इसका आंसर है टेस्ट क्रॉस। इस पूरी एक्टिविटी का आंसर है, दो वर्ड का आंसर है, क्या, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, लेकिन अभी हम इस एक्टिविटी को थोड़ा अंदर घुसते हैं और इसको थोड़ा और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं कि यहां चल क्या रहा है। तो क्या चल रहा है, देखो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने दो प्लांट लिए, एक प्लांट लिया टॉल, एक प्लांट लिया ड्वार्फ। टॉल मतलब लंबा मटर का पौधा और ड्वार्फ मतलब बोना पौधा। ठीक है, जो टॉल प्लांट था उस टॉल प्लांट के अंदर जो दो जीन थे वो दोनों के दोनों कैपिटल टी थे ऐसे। जो ड्वार्फ था, बोना पौधा था, उसके अंदर दोनों जीन्स थे, वो दोनों जीन्स क्या थे, स्मॉल टी। तो जब इनके बीच में क्रॉस करवाया, ये तो थे पेरेंट्स, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो जो इनके बच्चे बने वो बच्चे क्या थे, सारे के सारे टॉल थे। कैसे टॉल थे वो बच्चे, देखो इसमें जो गैमीट बनता, ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी के साथ कंबाइन कर सकता है तो बेबी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी इस वाले टी के साथ भी कंबाइन कर सकता है तो बेबी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये वाला जो टी है कैपिटल टी, ये इस स्मॉल टी के साथ कंबाइन कर सकता है यानी बेबी बना सकता है तो भी प्लांट क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और उसके बाद चौथा केस, ये कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ भी कंबाइन कर सकता है तो भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी, यानी F1 जनरेशन।
F1 जनरेशन. तो जो F1 जनरेशन है उसने देखा कि सारे के सारे क्या थे, टोल थे, ये सारे के सारे प्लांट टोल थे. फिर उसने क्या किया, F1 जनरेशन का ये एक प्लांट लिया, ठीक है, और इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई, यानी क्या करवाया, इसी को मेल माना, इसी को फीमेल माना, ठीक है, एक ही प्लांट है, यानी इसी के एग और इसी के पोलन ग्रेन, इनके बीच में उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ क्रॉस कराया. तो उसने क्या देखा, कैसे प्लांट मिलेंगे उसको, देखो एक प्लांट के अंदर ऐसे एक पेरेंट में से एक जीन जाता है, दूसरे में से दोनों अलग एक जीन जाता है. तो ये दोनों के दोनों जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टोल का जीन है, ये बोने का ड्वार्फ का जीन है, कैपिटल टी टोल का जीन है, स्मॉल टी ड्वार्फ का जीन है, बोने का, ठीक है, इनको अलील भी कहते हैं. तो ये क्या है, जीन्स भी है, या इनका दूसरा नाम अलील भी है, अलील. तो क्या होता है, इसके अंदर से एक कैपिटल टी निकलेगा, दूसरा इसके अंदर से एक कैपिटल टी के साथ कंबाइन कर सकता है, तो बेबी में क्या हो जाएंगे दोनों, कैपिटल टी, या दूसरा इसके अंदर से एक कैपिटल टी निकलेगा और ये वाला कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ कंबाइन कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी. उसके बाद ये देखो, ये वाला स्मॉल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ कंबाइन कर देगा, स्मॉल टी और ये वाला कैपिटल टी है, तो इसमें भी क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, मैं इस कैपिटल टी को आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी. दूसरी बात, ये वाला स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ भी कंबाइन कर सकता है, तो क्या बनेगा, स्मॉल टी. तो मेंडल ने देखा कि भाई ये जो तीन हिस्से, यानी 75% जो प्लांट थे वो तो टोल निकले, और जो एक हिस्सा यानी 25% प्लांट बोने निकले, यानी ड्वार्फ निकले. तो ये तो दूसरी जनरेशन है, इसको बोलते हैं फिलियल टू जनरेशन, ठीक है, सॉरी मतलब ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, फिलियल टू जनरेशन, यानी F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन है, ठीक है. तो ये तो था बैकग्राउंड इस स्टोरी का, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है आपकी एक्टिविटी का. अब ये कहता है कि जो आपने F2 जनरेशन निकाल लिया ना, इसका एक इसकी ना एक रेशो होती है, एक तो होती है फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो, फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप होता है कि कोई प्लांट बाहर से कैसा दिख रहा है, वो उसका फिनोटाइप है. तो कोई प्लांट बाहर से लंबा दिख रहा है टोल, उसका फिनोटाइप है. कोई प्लांट बाहर से बोना दिख रहा है द्वार, वो उसका फिनोटाइप है. तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है कि बाहर से कितने लंबे दिख रहे हैं, कितने बोने दिख रहे हैं. तो देखो तीन प्लांट लंबे दिख रहे हैं, 3:1 प्लांट द्वार दिख रहा है 1, यानी तीन हिस्से 75% टोल है, एक हिस्सा यानी 25% ड्वार्फ है. तो 3:1 या 3:1 ये क्या है, फिनोटिपिक रेशो. लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है इसके ऊपर जीनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो. सो एक्चुअली टुडे आई हैव कॉल्ड, सो देयरफॉर यू आर लिसनिंग सम दीस काइंड ऑफ साउंड्स. सो जीनोटिपिक रेशो क्या होता है, जीनोटिपिक रेशो है कि जीनोटाइप बताता है किसी प्लांट के अंदर जीन्स कौन से हैं, यानी उसके अंदर जीन्स कौन से हैं. तो जीनोटिपिक रेशो क्या है, जीनोटिपिक रेशो ये है कि कितने टाइप के कैपिटल टी प्लांट है, कितने हैं, सिर्फ एक है. तो जीनोटिपिक रेशो है कैपिटल टी कितने, 1 है. उसके बाद आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितने हैं, 2 प्लांट है. तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 प्लांट है. तो देखो कैपिटल टी एक प्लांट है, कैपिटल टी एक प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 प्लांट है, और स्मॉल टी एक प्लांट है. तो स्मॉल टी एक प्लांट है. तो ये जो है 1:2:1 ये क्या है, जीनोटिपिक रेशो है. अब आपकी एक्टिविटी 9.2 में यही कहता है कि ये जीनोटिपिक रेशो बाहर से देखकर नहीं पता चलती, क्योंकि बाहर से देखने पर किसी प्लांट का फिनोटाइप पता चल जाता है कि वो लंबा है या बोना है, बट ये नहीं पता चलता कि उसके अंदर जीन्स कौन से हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी हैं या कैपिटल टी हैं. देखो कैपिटल टी ये भी टोल है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टोल है. तो ये दोनों बाहर से टोल लंबे दिख रहे हैं, लेकिन लंबा प्लांट का अंदर का जीन तो नहीं पता चलता कि वो जीन कौन सा है. अब जीन पता लगाने के लिए या F2 जनरेशन की जीनोटिपिक रेशो पता लगाने के लिए हमारे पास क्या हथियार होता है, क्या एक्सपेरिमेंट है, उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि F2 जनरेशन के किसी प्लांट को आप रिसेसिव पेरेंट के साथ रिप्रोडक्शन करा दीजिए, उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस. उसी से पता चलता है कि F2 प्लांट की जीनोटाइप क्या है. आपके नहीं समझ में आया,
अभी समझ में आएगा। देखो मान लो ये वाला प्लांट है, देखो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी है, ये प्लांट तो क्या है, ड्वार्फ है, ड्वार्फ है, बोना प्लांट है। ये तो बाहर से देखने पर पता चल जाता है कि बोना है और बोना प्लांट है, तो ये भी अंडरस्टूड होता है कि इसके अंदर दोनों स्मॉल टी हैं। लेकिन हम फंस जाते हैं इन दोनों में, कैपिटल टी भी टॉल प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल प्लांट है। इन दोनों का फिनोटाइप सेम है बट जीनोटाइप डिफरेंट है। तो डिफरेंट जीनोटाइप में कौन से के पास कौन से जीन है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा टेस्ट क्रॉस से। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मान लो ये है, अच्छा एक और वर्ड मैं आपको बताता हूँ, जो कैपिटल टी होते हैं ना, ये क्या है, होमोजाइगस, इसको बोलते हैं होमोजाइगस, जिनमें दोनों जीन सेम होते हैं, ये भी होमोजाइगस। लेकिन ये हेट्रोजाइगस, यानी इसमें एक कैपिटल है एक स्मॉल है, ठीक है। मैं अगर मैं आपको वर्ड बताऊँ, ये क्या है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस। ये देखो ये भी स्मॉल टी, जब दोनों जीन सेम हो तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस प्लांट या होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन ये देखो बीच में एक स्मॉल है एक कैपिटल है, दोनों अलग अलग हैं, तो इसको बोलते हैं हेटरोजाइगस, हेटरोजाइगस कंडीशन। इनको बोलते हैं प्योर प्लांट प्योर प्लांट, इसको बोलते हैं इम्प्योर प्लांट, या इसको बोलते हैं होमोजाइगस होमोजाइगस, इसको बोलते हैं हेटरोजाइगस। तो हमें ये बताना है कि दोनों टोल में से कौन सा होमोजाइगस है कौन सा हेटरोजाइगस है, किसके पास दोनों कैपिटल टी है, किसके पास एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है। तो कैसे पता चलेगा, टेस्ट क्रॉस से। टेस्ट क्रॉस कैसे, जिस प्लांट का आपको पता लगाना है ना उस प्लांट को ले लो और इसका क्रॉस करा दो रिसेसिव पेरेंट से। रिसेसिव पेरेंट कौन सा, जो बोना प्लांट था स्मॉल टी है ना। तो ये क्या है, टोल है और ये बोना है ड्वार्फ है। तो अब इनके अंदर क्या, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिल सकता है ना, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिल सकता है, या ये वाला इन दोनों से मिल सकता है। तो ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिल सकता है, या ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिल सकता है। क्या हाथ में आया कि कोई भी कंडीशन हो, अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ, यानी दोनों इस पे कैपिटल टी कैपिटल हुए, तो सारे बेबीज क्या होंगे, टॉल होंगे, सारे बेबीज क्या होंगे, टॉल होंगे। तो आप क्या करोगे, F2 जनरेशन का एक प्लांट लोगे जो टॉल है, उसकी आप रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दोगे। अगर सारे बच्चे टॉल निकले तो आप ये प्रूव कर दोगे कि जो आपने F2 का प्लांट लिया था वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी कि उसके पास दोनों के दोनों जीन्स कैपिटल टी हैं। अब आ जाती है, अगर ये होता तो इसमें क्या केस होता, क्या केस होता, अगर ये होता आपने ये वाला ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखने में तो टोल लग रहा लेकिन जीनोटाइप नहीं आपको पता, तो इसका भी क्रॉस करा दो स्मॉल टी यानी रिसेसिव यानी ड्वार्फ पेरेंट से। तो क्या करोगे, इसमें ये कैपिटल टी स्मॉल टी से कंबाइन कर सकता है, या ये कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी से कंबाइन कर सकता है, या ये स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी से कंबाइन कर सकता है, या यही स्मॉल टी दूसरे वाले स्मॉल टी से कंबाइन कर सकता है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, 50% क्या मिलेंगे, टोल मिलेंगे, लंबे प्लांट मिलेंगे, लेकिन 50% बोने प्लांट मिलेंगे यानी ड्वार्फ मिलेंगे। तो आगे समझ में, देखो ये भी देखने पे टोल लग रहा था लेकिन इसने क्या किया, सारे जो बेबीज प्लांट है वो टोल पैदा किए, बट ये भी देखने में टोल लग रहा था लेकिन इसमें क्या हुआ, 50% प्लांट टोल निकले और 50% बेबी प्लांट ड्वार्फ निकले। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो आपने F2 वाला प्लांट लिया था F2 जनरेशन का, वो क्या है, हेटरोजाइगस है, यानी उसमें एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। तो ये हमने टेस्ट करके पता किया, तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ये क्या है, टेस्ट क्रॉस है, ये क्या है, टेस्ट क्रॉस है। आपकी एक्टिविटी 9.2 का यही आंसर है, टेस्ट क्रॉस। क्या कहते हैं इसको, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है कि आप किसी एक ऐसे प्लांट को ले लीजिए F2 जनरेशन का जिसका जीनोटाइप आपको नहीं पता है और आपको उसका जीनोटाइप पता करना है, और उसकी आप क्या करा दीजिए, होमोजाइगस रिसेसिव यानी रिसेसिव पेरेंट से, यानी जिसके दोनों जीन्स छोटे हों वीक हों, उसके साथ उसकी क्रॉस करा दीजिए, उस क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो इस तरह हमने पता कर लिया कि कौन सा, ये भी टोल था ये भी टोल था, लेकिन ये कैपिटल टी है क्योंकि इसने सारे बेबीज कैपिटल
टॉल प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका फिनोटाइप तो टॉल था बट इसका जीनोटाइप हेटरोजाइगस है क्योंकि इसने आधे बेबीज टॉल पैदा किए आधे ड्वार्फ किए। ये फिक्स है क्योंकि हमने चारों केसेस को कंसीडर किया है। अगर आधे बच्चे टॉल है और आधे बेबी प्लांट ड्वार्फ हैं तो ये प्रूफ होता है कि F2 जनरेशन का प्लांट हेटरोजाइगस है और इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अगर आपको इसको स्मॉल टी को पता करना है तो इसको कैसे पता करेंगे? इसको पता करने की जरूरत भी नहीं होती। अगर कोई प्लांट बोना है ड्वार्फ है तो इसका मतलब है कि उसके दोनों जीन्स रिसेसिव हैं, वीक हैं, इसका मतलब है कि वो होमोजाइगस ही है। लेकिन अगर आप इसका फिर भी पता करना चाहते हो तो कैसे, क्या अगर इसका टेस्ट क्रॉस करना चाहते हो तो कैसे टेस्ट क्रॉस होगा? ये आपने लिया स्मॉल टी, ये है भी ड्वार्फ और आप इसके ड्वार्फ पेरेंट के साथ ही क्रॉस करा दोगे, यानी स्मॉल टी के साथ। तो देखो स्मॉल टी सारे बच्चे ड्वार्फ बोन नहीं पैदा होंगे, बोना है तो बोन ही पैदा होंगे। कैसे? स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ कंबाइन कर सकता है तो भी क्या होगा ड्वार्फ, ये वाला स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ कंबाइन कर सकता है तो भी क्या होगा ड्वार्फ, या ये वाला स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ कंबाइन कर सकता है तो भी हा स्मॉल टी ड्वार्फ, या ये वाला स्मॉल टी इस वाले आखिरी वाले स्मॉल टी के साथ कंबाइन कर सकता है तो ये भी है ड्वार्फ, यानी इसमें 100% बेबीज क्या होंगे ड्वार्फ प्रोड्यूस होंगे। इसलिए ड्वार्फ F2 प्लांट की टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत होती नहीं है, बट अगर आप करोगे भी तो ये रिजल्ट निकलता है। तो आया समझ में? क्या समझ में आया कि जो ये आपकी एक्टिविटी 9.2 है ये कहती है कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिससे आप ये प्रूव करोगे कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी ये जो है ये 1:2:1 की रेशो में है, ये आप कैसे पता करोगे? तो आप कैसे पता करोगे? टेस्ट क्रॉस के द्वारा। कैसे? इसमें से एक प्लांट को लोगे और रिसेसिव जो पेरेंट था ये वाला, देखो स्मॉल टी इसको बोलते हैं रिसेसिव पेरेंट, जो बोना पेरेंट शॉर्ट प्लांट जो था उसके साथ क्रॉस करा दोगे। अगर क्या हुआ सारे के सारे बच्चे टॉल पैदा हुए तो इसका मतलब क्या है, वो है ये वाला है कि वो टॉल तो है प्लांट लेकिन वो होमोजाइगस टॉल है, यानी उसमें दोनों कैपिटल टी है। लेकिन अगर ये वाले पौधे हुए एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी अगर ये वाले पौधे हुए इनकी आप शॉर्ट के साथ क्रॉस कराओगे तो आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा, 50% प्लांट टॉल निकलेंगे और 50% प्लांट ड्वार्फ निकलेंगे। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि F2 जनरेशन का जो आपने प्लांट लिया है वो हेटरोजाइगस है, उसमें एक जीन कैपिटल टी है एक जीन स्मॉल टी है, क्योंकि अगर उसमें दोनों कैपिटल होते तो ये वाला रिजल्ट निकलता, लेकिन स्मॉल टी ने 50% प्लांट को ड्वार्फ बनाया है तो इसलिए ये वाला रिजल्ट है। तीसरा अगर केस है, ये वैसे भी इसको करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप इसका भी टेस्ट क्रॉस करोगे तो सारे बेबीज जो है ड्वार्फ पैदा होंगे, क्योंकि क्या इधर भी स्मॉल टी तो सारे के सारे बेबीज ड्वार्फ पैदा होते हैं। तो ये था एक्टिविटी 9.2 का आंसर कि टेस्ट क्रॉस के द्वारा हम किसी भी F2 जनरेशन प्लांट का जीनोटाइप पता कर सकते हैं, क्योंकि फिनोटाइप तो बाहर से देखने पर पता चल जाता है, जीनोटाइप पता कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ये थी आपकी एक्टिविटी 9.2। नमस्कारम एंड ऑल द बेस्ट टू यू। Stay healthy, stay happy.